नमस्कार। उत्तराखंड सरकार के दावे सुनिए। प्राकृतिक आपदा में खत्म हो चुके चारधाम यात्रा के रास्ते को सरकार ने पूरी तरह से बना लिया है। अब श्रद्धालु निडर होकर यहां आ सकते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जी हां, उत्तराखंड की रावत सरकार पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे ही दावे कर वाहवाही लूटने की कोशिश में थी, लेकिन यात्रा शुरू होते ही हुए दो सड़क हादसों ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। जी हां, जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देखेंगे और सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अभी भी रास्तों में तेज बहता बारिश का पानी और क्षतिग्रस्त मार्ग बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात क्या हैं, लेकिन सरकार को क्या पड़ी है। सरकारी बंगलों में नरम गद्दों पर बैठकर हवाई यात्रा करने वालों को सड़क मार्ग पर होने वाली दिक्कतों का अंदाजा भी नहीं होगा। वे तो बंद कमरों में यही रणनीति बनाने में लगे हैं कि कैसे यात्रियों को उत्तराखंड लाया जाए। और जहाँ तक बात यात्रियों की सुरक्षा की है, तो शायद इस बारे में सरकार के मंत्री सोचना ही नहीं चाहते। कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हुई वो हुई यात्रा को लेके, चार धाम यात्रा को, उनकी परिस्थितियों को, उनकी सुविधाओं को, स्थानीय लोगों को, रोजगार को लेकर। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है। आज ही हमारी प्राथमिकता है कि चार धाम यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, सुविधाजनक हो। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में खतरनाक सड़कों की वजह से दो दिन में दो हादसे हो गए, जिनमें करीब 15 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सरकार के परिवहन मंत्री बोल रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ यात्रा को शुरू किया गया है। लगता है मंत्री साहब भूल गए कि लोग रोड पर चलते हुए खाई में समा रहे हैं। पूरी एक तरीके के तहत इस बार चार धाम यात्रा को संचालित किया जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें 500 आदमी केदार घाटी जा रहे हैं, और अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें 450 और 500 के बीच में रोज यात्री वहां पहुंच रहे हैं। बेहद जोखिम भरे रास्तों को पार कर भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त सकुशल मंदिर पहुंच रहे हैं, वे काफी डरे हुए हैं और यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। दर्शन की बहुत आनंद आया, लेकिन सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। उस व्यवस्था को प्रशासन को सही करना चाहिए, सरकार को सही करना। यात्रा के दौरान हादसे हुए तो विपक्ष फिर से हल्ला मचाने लगा। बीजेपी नेता सतपाल महाराज का कहना है कि यात्रा मार्ग अभी पूरी तरह से बने नहीं है और सरकार ने जल्दबाजी में यात्रा को शुरू करवाया है, जबकि अभी सरकार को और इंतजार करना चाहिए था। सरकार ने जल्दबाजी की है निश्चित रूप में, और ये जल्दबाजी में इसलिए किया गया कि चुनाव के वक्त उनको लाभ मिल जाए। वह बड़ी भयावह स्थिति है। कल भी कुछ लोग जाना चाहते थे तो पुलिस वालों ने मना कर दिया कि आप मत जाइए, स्थिति बड़ी खराब है, तो वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। यकीनन दो दिन में यात्रा के दौरान हुए हादसे उत्तराखंड सरकार की पोल खोल रहे हैं। सरकार ने तो आपदा का कलंक मिटाने के लिए जल्दबाजी में झूठे दावे कर चारधाम यात्रा शुरू करा दी, लेकिन भुगतना यात्रियों को पड़ रहा है। देहरादून से साधन न्यूज के लिए नासिर हुसैन की रिपोर्ट।